प्रणाम नमस्कार, मैं अंकित गैरोला, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे भैरव बाबा मंदिर है, बिल्कुल मात्र मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर यहाँ पर चंद्रभागा पुल भी है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कारण एक ही, जो ये रोड के आप हाल देख पा रहे होंगे, इनको ठीक करा सुधारा जाए। चले बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या कुछ कहानी है यहाँ पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सुरेंद्र नेगी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लगातार धरातल पे कार्य करते हुए नजर आते हैं। सर, आज किन मुख्य मार्ग कारणों से आप यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, नेशनल हाईवे है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहाँ पर जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कई रस्तों में और जगह पे भी हो रखे हैं, और मोस्टली यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। यहाँ 12 बजे रात जो ऐसी रश रहता है, जहाँ सरकार जो कावड़ यात्रा चलाने की बात कर रही है, सारे कावड़े बाइक से होकर के आते हैं, बाइक से चलते जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात होने में ये जगह जो दिखती नहीं है, और यहाँ पर जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर कई सारे हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए व्यापारियों के, वो देख रहे हैं, और उन व्यापारियों को अपने कर्मचारियों को भेज करके अस्पताल पहुंचाना पड़ता है आदमी को। तो ये स्थिति है, तो इसलिए आज हम जो है को पीछे हमने बात करी, लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा है, और ये चाहते हैं हमारे पास आगे बार बार गिड़ गड़ा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग इसलिए आज यहाँ पर खड़े हैं। लगातार धरातल पर काम करने पर काफी सारी चीजें सामने आती हैं। अगर ये हाल सिर्फ इसी रोड का नहीं है, मैं आपको बताऊं तो सड़कों पे गड्ढे गड्ढे आपको हर जगह देखने को मिलता है, मगर नेगी जी हर जगह तो यही हाल है। क्या इस काम पे यहाँ पे आवाज उठाने से चीजें सही हो जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, नेशनल हाईवे जब तक समाज सड़क में नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी 5 मिनट पहले हम यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वाले आ गए, ठीक है, कह रहे भाई किनारे करना की, अरे करना क्या है, क्योंकि आज इनका जो है भाजपा का कोई कार्यक्रम लगा हुआ, तो उसमें लोग लगे हुए ड्यूटी में, कह रहे ऐसे ऐसे हम फंस जाएंगे। तो ये चीजें इन सबकी है, आप लगाइए ये सारा का सारा डिपार्टमेंट मिला होगा आपस में, और ये जो सीवरेज का ये ढक्कन देख रहे हैं आप, सीवरेज के ढक्कन से अंडर पास दे रखा है एक नाली के अंदर, तो सीवरेज नाली के अंदर से गंगा जी में, तो क्या फायदा, ये स्थितियां यहाँ पर। देवभूमि कहा जाता है, पल हर जगह देवताओं का वास होता है। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, अभी पैदल कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके बाद डाक कांवड़ यात्रा आएगी। ऐसे जो हमारी चार धाम यात्रा की जो हालत हुई है वो आप सभी ने भली भांति देखी होगी, मगर अब कांवड़ यात्रा के बाद भी क्या कुछ होने वाला है दिखेगा। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है, इस तरीके से यहाँ पे जो गड्ढा हो रखा है, सीवर लाइन से फिर अंडर पास दिया जाता है, और वो अंडर पास गंगा जी में दिया जाता है, और कहते हैं गंगा को हम सर पे लगाते हैं, हम उस गंगा को हर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, हम उस गंगा का हर जगह पे आह्वान करते हैं, और कुछ इस तरीके से पवित्र होती हुई जा रही है हमारी गंगा। क्या कहेंगे सर इस बारे में? आज लोग सीवर का पानी पूरे नाले में डाल के गंगा जी में डाल दिया है, यहाँ पर हर साल जो ये प्रॉब्लम रहते हैं, लोगों में एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, बाइक वगैरह वाले, स्कूटी वाले, ये ऑटो वाले हैं, ये भी यहाँ पे पलट जाते हैं, चोटी लोगों को चोटें लग जाती है यहाँ पे, हमेशा का ये इधर है, कभी आगे ये समाधान नहीं हो पाता है। बाकी ये हमारे मैनेजर साहब है, तेरा भाई साहब क्या कुछ कहेंगे आज? मैं नेपाली महादेव नेपाली ट्रस्ट का मैनेजर बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे को 4 महीने हो गए, इतनी बुरी हालत है सड़कों की, ई रिक्शा यहाँ से जाते हैं पलट जाते हैं, फंस जाते हैं, टू व्हीलर वाली जो स्कूटी पे जाते हैं वो गिर जाते हैं, नाले का पानी या सीवर का पानी जो जा रहा है वो गंगा जी में जा रहा है, और हम जिस शुद्ध जल को पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ये हालत है। और चारों धाम की यात्रा में आप देख ही चुके हैं, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है परसों, ये बड़ी स्थिति खराब है। इस बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, अभी तो सावन भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है, हल्की बूंदा बांदी हुई है, उससे ये हाल है। तो सोचेगा जब ऋषिकेश की बारिश आएगी, और ऋषिकेश में बारिश होगी तो आप किस तरीके से इस जनता को सही कर पाएंगे और किस तरीके से जवाब दे पाएंगे? और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तमाम से। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज तो आप सब लोग धरना तो मेरे को लगता है यहाँ पे दे रहे हैं, आप चिल्ला भी रहे हैं, लगातार अपनी मांगे रख भी रहे, क्या लगता है क्या आपकी मांग पूरी हो पाएगी? भाई जी, नहीं होगी तो आप पैसे इकट्ठे करके बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मगर फिर सरकार को आईना तो दिखा देंगे कि ये व्यापारी वर्ग जो इतना यहाँ का है, आपस में एकत्रित होकर करो। मगर हमने तो इसको 5 साल से कई तरीकों से लिखित मौखिक, और जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, नेता है, आए दिन इसी रोड से तो गुजरते हैं, एकमात्र रास्ता तो है ऋषिकेश के अंदर, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा? वो तो अपने हवाई जहाज नामक वाहनों से निकलते हैं ना, ACDC कारों में निकल रहे हैं यहाँ से, तो उन्हें तो इस गड्ढे का एहसास नहीं होगा, मगर जो वर्ग स्कूटी में चल रहा है, साइकिल में चल रहा है, ई रिक्शा में जा रहा है, उनको इन गड्ढे का एहसास है। पिछले वर्ष की बात है, मेरे सामने यहाँ पे एक ई रिक्शा पलटा, उस ई रिक्शा को हम ही ने सीधा करा, उस ई रिक्शा में नवजात शिशु था माँ की गोद में, उस नवजात शिशु के बच्चे के सिर में चोट आ गई,
क्या उस माँ बाप के दिल पे गुजरी होगी जिसको वो हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे, अभी घर भी नहीं पहुंचे और बच्चे को रास्ते में ही चोट आ गई। तो इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की चोटिल होते हुए लोगों को हम आए दिन इस गड्ढे में देख रहे हैं, कब तक देखेंगे? सरकार को हम आईना दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर इसको सरकार बहुत जल्द से जल्द नहीं करती है तो जो हमसे बन पड़ेगा हम खुद करेंगे और सबके सामने करेंगे। सरकार को खुद पता चल जाएगा कि जनता भी अपने आप में सक्षम है कुछ करने के लिए, करके दिखा देंगे। इस चीज को तो आप सही कर देंगे, मगर पूरे एनएच की अगर हम बात करें तो हर एक एनएच में यही हाल है। और ये एनएच मिलता है सीधा जाकर श्यामपुर फाटक में, जो एक खबर आपने मेरी थोड़े दिन पहले भी देखी होगी, किस तरीके से श्यामपुर फाटक में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से श्यामपुर फाटक को कपड़े पहनाए गए हैं। अब वो कपड़े कैसे थे आप भली बात ही वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जनता की आवाज को आप आसमान तक पहुँचाने के लिए समय पर पहुँच जाते हो मेरे प्रभु। ये नेशनल हाईवे है, सबसे पहली बात चारों धामों का मुख्य द्वार ऋषिकेश, चारों धाम की यात्रा आपके ऋषिकेश से निकलती है, नीलकंठ की कावड़ यात्रा जिसमें करोड़ों की संख्या में भोले यहाँ से आते हैं, फिर इसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा वो भी इसी मुख्य मार्ग से होती है, फिर यहीं पर दो नज़दीक में बहुत विद्यालय हैं, ओमकारानंद और एक पूर्णानंद, और प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में इस मार्ग से बच्चे गुजरते हैं। सबसे गंभीर विषय, अब कुछ समय बाद इसमें जल बढ़ जाएगा, डगमगाते हुए तो लोग पहुंचते ही हैं, अब जल बढ़ जाएगा और जल के साथ सीवर का पानी आएगा। कुछ लोग धार्मिक लोग हैं, आश्रम का किनारा है तो गंगा जी स्नान करके जाते हैं, उसके बाद यहाँ सीवर में डुबकी लगाकर निकलते हैं, सबसे मुख्य बात। और फिर आप ये देख लो कि छोटे छोटे बच्चे, उनका जो स्कूल से घर जाना करते हैं उनको घंटों तो इस यहाँ पर जाम लगता है इस चोट मोट के कारण, और फिर उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी इसमें कई बार चोटिल हो जाती है। या व्यापारी भाइयों जो हैं ये इस बात को बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं कि ये कितनी मदद करते हैं उनकी, क्योंकि ये प्रत्येक दिन की कहानी है। पंडित जी ये तो कहानी है हर दिन की है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई रो रहा है इस कहानी पे, मगर इस कहानी पे अंकुश कौन लगाएगा, आप क्या करने वाले इस पे? एक जो आज हम आपके माध्यम से निगम में प्रशासन की धज्जियां उड़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से आपकी आवाज से 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर निगम में अधिकारी यहाँ सड़क पे पहुंच भी जाएंगे और कार्य भी पूर्ण कर देंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि प्रत्येक वर्ष की समस्या है, इसका समाधान आप नियम अनुसार करें। ये हर वर्ष जब समस्या आती है आप समय से पहले आ जाए, जनता को सड़क में ना उतरना पड़े। तो हमें भी अच्छा लगा कि विभाग कोई कार्य कर रहा है, लेकिन क्या है हमेशा जनसाधारण को सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारे अडवाल जी भाई साहब हैं, ये सब लोग लगे रहते हैं, हम चीखते हैं चिल्लाते हैं लगे रहते हैं। ये निगम में प्रशासन को क्या, थोड़ा अपना जो काम है ना जिम्मेदारी पूर्वक निभाए तो अच्छा लगेगा, और आपकी कृपा से अब आ भी जाएंगे। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आज भी ये कहता हूँ मैं किसी भी सरकार के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस के विरोध में हूँ, ना मैं बीजेपी के विरोध में, ना मैं किसी और अन्य पार्टी के विरोध में हूँ, ना मैं किसी जनप्रतिनिधि के विरोध में हूँ, मगर मैं उसके विरोध में जरूर हूँ जो कि विकास के नाम पर अपने आप को कुछ इस तरीके से गड्ढे में छुपा देते हैं और आम जनता को तरसना पड़ता है अपने विकास की नजरों से देखना। ऋषिकेश एक ऐसा केंद्र है जहां से चारों धाम की यात्रा निकलती है, हालांकि आपने केदारनाथ को दिल्ली में बसाने की सोच ली है, चलो केदारनाथ धाम तो नहीं पर मंदिर बना देंगे, वह हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य तो आप कर रहे हैं, मगर ये जो चोटिल हो रहे हैं यहाँ पे लोग, इनके लिए कौन होगा दिखेगा। एक बार मैं आपको ठीक से कहूंगा कि किस तरीके से 2-व्हीलर ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, लगातार चीजें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा हो देखेगा, ऑटो अगर पलट जाए तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा और कौन इसके लिए सहानुभूति देगा इनको। चले बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ यहाँ पर होता है, पल पल के अपडेट्स आपको देता रहूंगा, बने रहिएगा ऋषिकेश लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।